सो फ्रेंड, तो कुछ इस तरह से हम फोटो एडिट करने वाले हैं पिक्स आर्ट में, और बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल स्टेप से आप कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को हम देख लेते हैं, और आप ध्यान से देखना कैसे ये एडिट हुआ है। सबसे पहले आपको पिक्स आर्ट में जाना है, ठीक है। पिक्स आर्ट में जाकर के ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, और वहाँ से जाकर के आपको क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट न्यू पे करना है, और उसके बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसको एडिट में क्लिक करके, और आपको इसका पिक्सल छोटा कर लेना है, ठीक है। इसका क्रॉप करके हम छोटा छोटा सा, क्योंकि जब हम फोटो अपलोड करें इंस्टाग्राम पे तो वो फिट हो जाए वहाँ पे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको ले लेना है, और यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपको कुछ इस तरह से आपको जाना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाकर के जो स्क्रीनशॉट लिया है आपने, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। दो स्क्रीनशॉट शॉट लेना है, दो को क्या करना है कि आपको मैं बताऊँगा। क्रॉप करके कुछ इस तरह से हम लगाएंगे, ठीक है। इसको क्रॉप करके इस तरह से हम लगा लेंगे, ठीक है। और हम एक दूसरा स्क्रीनशॉट लिया है जो, जिसमें सिर्फ हम नाम नाम का जो है अपना, मतलब इंस्टाग्राम जो यूज़र नेम है उसको हम क्या करेंगे, क्रॉप करके और वहाँ पे कर ले लेंगे, ठीक है। बस ये सिंबल सा लेना है, और उसके बाद आपको उसको ऊपर के साइड में, उसके नीचे के साइड में आपको इसको सेट कर देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे होता है ये। तो बस इसको भी सेम सिंपल आप वैसे ही कर सकते हो, बहुत ही इजी है, ठीक है। आप ऐसे इजीली कर सकते हो इसको। बस ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, सिंपल से अपने जो बैकग्राउंड है 3D वाला, उस बैकग्राउंड को हम यहाँ से फ़ोटो में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड फोटो में जा कर के, पहले ड्रॉ में जा कर के करना है आपको। ड्रॉ में ये जो दूसरा एक लेयर तो है ही, ये ऐड फोटो पे क्लिक करके आपको वो 3D, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। और दो टाइप को मिल जाएगा, मैंने थंबनेल में जो लगा रखा था वो दोनों टाइप आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से ले लेना है, ठीक है। और खाली पे करके इस पर क्लिक करके, ठीक है। और एक और फ़ोटो ले लेना, जो फ़ोटो आप लगाना चाहते हो उसको यहाँ से सेट कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद ये ऊपर हो गया, फ़ोटो नीचे हो गया, देख रहे हो आप। अब सिंपली हम एरेज कर देंगे, बस हो गया हमारा फ़ोटो कंप्लीट। अब हम ऐसे थोड़ा एडजस्ट करके एरेज कर देंगे इसको। एक और पहले हम एरेज कर लेंगे, ठीक है। पहले अपना ये ओपेसिटी वगैरह सेट करके, कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे ओपेसिटी वगैरह सेट करके और यहाँ से एरेज कर देना है। देखो ये हो गया, यस, हम यहाँ से एरेज कर देंगे इसको, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे हो गया, देखो मस्त हो गया फोटो। अब फोटो को हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे सिंपली, और ये हमारा हो गया यहाँ पे। बस बस ये सिंपल सा स्टेप करके हो गया।